एमएसपी डेढ़ गुना करने का सरकार ने वादा तो कर दिया, मगर देश के किसानों को सरकार के इस वादे पर यकीन नहीं है। देखिए रिपोर्ट। सरकार के वादे पर भरोसा न करने के लिए किसानों के पास कई कारण हैं। पहले भी सरकार ने किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें की, मगर ये सारी बातें सिर्फ कागजी साबित हुईं। किसानों का कहना है कि पिछले साल इतने बड़े किसान आंदोलन के बावजूद सरकार ने उनकी फसलों के उचित दाम नहीं दिए। दाम नहीं मिले तो किसान कर्ज चुकाने में भी नाकाम रहा। हमारी फसल में कम से कम 40 लाख का नुकसान भर के पेचे हुआ। स्थिति खराब ये है कि बैंक का भी कर्जा हम पे और जी आढ़तियों का कर्जा हम पे, मिल वाले के जो मिल में आलू रखा गया था उसका हम पे रकम रह गई, किराया जमा नहीं हुआ, उन्होंने आलू फिकवा दिया, वो हम पे तगादा कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। दरअसल सरकार ने किसानों को दिए जाने वाले मूल्य समर्थन को बढ़ाने की बात तो कही है, लेकिन सरकार किसानों की लागत के मूल्य को कैसे तय करेगी, इस फैसले के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होगा। लेकिन इस पर किसानों का मानना है कि सरकार उनकी लागत के मूल्य पर भी उन्हें अन्य योजनाओं की तरह सिर्फ दिलासा ही देगी। हम तो छोटे से किसान हैं, ज़्यादातर लाभ पहुँचता तो बड़े किसान को पहुँचता। हम छोटे तलक तो जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले वो हम तक कहाँ पहुँचता है। लागत को डेढ़ गुना करने की जो बात करी, उस लागत को तय कौन करेगा? लागत अगर हमारी एक किसी काम में एक रुपये की आ रही है तो ये लोग हम ही तो बता पाएंगे एक रुपये की लागत आ रही। किसान से पूछे बिना सांसद में बैठ करके सांसद लोग मिल करके तय कर देंगे कि इस खेत को बोने में 10 रुपये की लागत आई है, उसी को वो 15 रुपये लागत का डेढ़ गुना करने का जो वायदा 15 रुपये करके दे देंगे। जब तक हमसे नहीं पूछा जाएगा कि लागत 10 रुपये आई है या 20 रुपये आई है, या एक ऐसी कमेटी बने जिसमें किसानों के प्रतिनिधि या खुद किसान उसमें जाकर के बताएं कि मेरी इतनी लागत इसमें आ रही है, तभी तो कोई पैमाना तय होगा। किसानों का ये भी कहना है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग करती थी, मगर जब से वो सत्ता में आई है वो ये भूल गई कि स्वामीनाथन आयोग क्या चीज़ है। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।